प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर, मैं हूं जयवर्धन राय। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिलाधिकारी ने की अपील, कहा आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाएं ईद का त्योहार। बेलघर थाने के पुलिस द्वारा मुठभेड़ में 25,000 के इनामी गैंगस्टर बदमाश को लगी गोली। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में पीएम ग्राम योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय अभिसरण समिति की बैठक हुई संपन्न। आबकारी विभाग द्वारा पॉज मशीन के माध्यम से फुटकर विक्रेताओं को दी गई ट्रेनिंग। विभिन्न प्रकार की मदिराओं के स्टॉक के बारे में मिल सकेगी जानकारी। पीपीगंज तक इलेक्ट्रिक सिटी बस चलाए जाने की मांग को लेकर हिंदू युवा के जिला मीडिया प्रभारी के नेतृत्व में सभासदों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद ने ईस्टर्न यूपी ट्रेडर्स के नए प्रतिष्ठान काइनेटिक ग्रीन ई स्कूटी का फीता काटकर किया शुभारंभ। मिशन इंद्रधनुष के 4 के तीसरे चरण का सीएमओ ने किया शुभारंभ। बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को टीकाकरण का दिया जाएगा लाभ। एसडीएम अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में ज्वाइंट अभियान चलाकर 10 डग्गामार वाहनों का काटा गया चालान। पुलिस अधीक्षक अपराध के नेतृत्व में स्कूली बच्चों को साइबर अपराध के प्रति किया गया जागरूक। और विश्वास अस्थमा दिवस की पूर्व संध्या पर डॉक्टर सूरज जायसवाल ने पत्रकार वार्ता कर बीमारी से बचाव की दी जानकारी।